गाना गाने वाली हड्डी। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक जंगली सुअर घुस आया जिसने किसानों के सारे खेत अपने पैरों तले रौंद डाले। उनके पशुओं को मारकर खाने लगा, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी खाल खींचने लगा। सारा गांव उस जंगली सुअर के नाम से ही कांपने लगा। सब गांव वालों ने राजा के पास अपनी शिकायत पहुंचाई और जंगली सुअर से उनकी जान और माल की रक्षा करने की प्रार्थना की। राजा ने अपनी जनता को वचन दिया कि उनकी पूरी रक्षा की जाएगी। उसने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इस जंगली सुअर को मार डालेगा उसे बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे, पर वह जंगली सुअर इतना बड़ा और भयंकर था कि किसी ने उसके पास तक फटकने का साहस नहीं किया। थोड़े से इनाम के लिए कोई भी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं था। राजा को इस घोषणा से कोई सफलता नहीं मिली। इधर जंगली सुअर सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अंततः राजा ने घोषणा की कि जो भी साहसी युवक इस जंगली सुअर को मारेगा वह उससे अपनी बेटी की शादी कर देगा और उस साहसी व्यक्ति को बहुत सा धन इनाम में देगा। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान के दो बेटे थे। जब उन्होंने राजा की इस घोषणा को सुना तो दोनों ही उस जंगली सुअर को मारने के लिए तैयार हो गए। दोनों ही अपनी गरीबी से तंग आ चुके थे। बड़ा भाई बहुत ही भूत और चालाक था तथा उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो क्यों न अपनी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचय देकर मरे। क्यों वे इस गरीबी में तिल तिल कर मरे। पर छोटा भाई बड़ा ही मासूम और भोला था। उसने भी सोचा कि भूख से मरने से तो अच्छा है कि दूसरों के लिए कुछ भलाई का काम करते करते मरे। पूरे गांव में इन दोनों के अलावा और कोई युवक उस जंगली सुअर को मारने के लिए आगे नहीं आया। अगले दिन दोनों भाई राज दरबार में पहुंचे और राजा को उस जंगली सुअर को मारने की बात कही। राजा ने उन दोनों भाइयों को दो अलग अलग दिशाओं में जाने की सलाह दी ताकि वे उसे आसानी से पकड़ सके। दोनों भाई दो अलग अलग दिशा से जंगल की ओर चल पड़े जिसमें उस जंगली सुअर की मांद थी। अगली सुबह जब छोटा भाई एक ओर से उस जंगल में घुसा तो उसे एक बौना आदमी मिला। उसके हाथ में काले रंग का एक भाला था। बौना उस छोटे भाई के पास आया और बोला, तू बहुत मासूम और भोला है, तुझमें स्वार्थ नहीं है, तू दूसरों की भलाई के लिए मरने को भी तैयार हो गया, इसलिए मैं तुझे यह भाला देता हूँ। जब वह जंगली सुअर तुझे मारने के लिए तेरी तरफ बढ़ेगा तो तू ये भाला उसके पेट में घुसा देना। वह इस भाले से उसी क्षण मर जाएगा और तुझे किसी तरह का